जोधपुर में लगातार 26 घंटे सूर्य नमस्कार कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योगाभ्यास की शुरुआत की, जिसे आज सुबह लगातार 26 घंटे सूर्य नमस्कार कर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। इस मौके पर बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने कहा कि योग न सिर्फ शरीर के लिए लाभदायक बल्कि यह मन और चित्त को भी एकाग्र करने का काम करता है। विश्वविद्यालय के बीसी महोदय को, यहाँ सीमा कव्या जी को और खासकर उन बच्चों को जिन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है 26 घंटे लगातार सूर्य नमस्कार कर। हम देख सकते हैं आजकल जो बच्चे मोबाइल नेट इन सब में खोए गए हैं, तो उनके चित्त को शांत रखने के लिए, मन को शांत रखने के लिए योगा एक बहुत बड़ा रामबाण साबित होगा। ये हमें कहना चाहूंगी शारीरिक ही मानसिक रूप से भी योग करना बहुत अच्छी बात है। हमारे पूर्वज जो योगा को बहुत प्रोत्साहन देते थे, आधुनिक युग में हम इसको कहीं भूल से चले गए थे, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगी आयुर्वेद विश्वविद्यालय का जिन्होंने ये बीड़ा उठाया और घंटा घर में इस आयोजन का किया, और विश्व रिकॉर्ड कायम करने वाले सभी बच्चों को मेरी तरफ से, बाल आयोग परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। ये सूर्य नमस्कार हमारे लिए शारीरिक और मानसिक दोनों व्याधियों को अलग समर्पित करने, नियमित करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। इस सूर्य नमस्कार में टोटल 121 छात्र एवं शिक्षकों ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें आप देख रहे हैं जो पहला बीच वाला है वो कंटिन्यूअस चल रहा है और किनारे वाले लोग बदल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत टाइम से इस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, रोज 2-3 घंटे प्रिपरेशन करते सूर्य नमस्कार की, तब जाके हम इतना सारा यहाँ पर कर पाए। हम आगे पहले ढंग से स्ट्रेचिंग करते थे, वार्म अप करते थे, उसके बाद लगातार कम से कम 1-1.5 घंटे हम करते थे सूर्य नमस्कार। बहुत टाइम हो गया, 1 महीने से तो ज्यादा हो गया हम लोग को प्रिपेयर करते।